गाइस देखिए, ये मैग्नेटिक स्लाइम काफी स्ट्रेची है और मैग्नेट की तरफ भी परफेक्टली अट्रैक्ट हो रहा है। हेलो एंड वेलकम टू एक्सपेरिमेंट ट्रैक्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को परफेक्ट मैग्नेटिक स्लाइम बनाना सिखाऊंगा और इसके पीछे की केमिस्ट्री भी समझाऊंगा। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक स्लाइम लिक्विड होता है या सॉलिड, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैग्नेटिक स्लाइम लिक्विड होता है या सॉलिड। सो गाइज, ऐसे वीडियो के लिए काफी रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट लगता है। जनरली 90% लोग वीडियो को देख के निकल देते हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैग्नेटिक स्लाइम बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम फेविकॉल, आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं, 1 टीस्पून बोरेक्स, एक वैसलीन मॉइस्चराइजर, आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, 1 गोल्डन एक्रेलिक ग्लिटर एंड 40 ग्राम्स मैग्नेटाइट पाउडर। ये मैग्नेटाइट पाउडर ही स्लाइम को मैग्नेटिक बनाएगा। सो गाइस, हमें सबसे पहले 100 ग्राम्स ग्लू में 30 ml पानी डालना है। फिर 20 ग्राम्स मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर से स्लाइम काफी सॉफ्ट एंड स्ट्रेची बनेगा। अब हमें इसमें थोड़ा सा ऑयल एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ शैम्पू डालना है। बेसिकली ऑयल एंड शैम्पू इस मिक्सचर को इमल्सीफाई करेगा, जिससे कोई भी पार्टिकल स्लाइम से सेपरेट नहीं होगा। फाइनली अब हमें इसमें मैग्नेटाइट पार्टिकल्स डालना है और हमें इसे अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स करना है, जिससे ये नॉन सेपरेटिंग कोलाइडल मिक्सचर बन जाए। सो आप जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतना स्मूथ एंड बेटर आपका मैग्नेटिक स्लाइम बनेगा। फाइनली अब हमें 1 टीस्पून बोरेक्स को 1 कप गर्म पानी में मिक्स करना है। अब हमें 1-1 स्पून करके बोरेक्स सॉल्यूशन को ऐड करके स्टिर करते रहना है। सो गाइज, हियर इज द ट्रिक। हमें इसे तब तक स्ट्रेच करना है जब तक स्लाइम स्मूथ ना हो जाए। नो, काफी मेहनत के बाद ये स्लाइम रेडी है। मुझे लग रहा था कि ये खराब हो गया, बट नहीं, आपको थोड़ा सा स्टर करते रहना है और थोड़ा सा इसको नीड करते रहना है। जितना ज्यादा आप इसको स्ट्रेच करेंगे, स्टर करेंगे, उतना बेटर मैग्नेटिक स्लाइम बनेगा। सो गाइस, चलिए मैं आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के पीछे की केमिस्ट्री को समझाता हूँ कि मैग्नेटिक स्लाइम कैसे वर्क करता है। गाइस, ग्लू में पॉलीविनाइल एसीटेट नाम का एक केमिकल होता है। ये केमिकल एक लॉन्ग चेन कार्बन पॉलीमर है जो काफी स्टिकी होता है। सूखने के बाद ये पॉलीमर हार्ड हो जाता है और चीजों को चिपकाने में हेल्प करता है। तो जब हम इस ग्लू में सोडियम टेट्राबोरेट सॉल्यूशन या बोरिक एसिड मिलाते हैं, तो बोरिक एसिड इन सभी लॉन्ग चेन पॉलीविनाइल पॉलीमर को क्रॉस लिंक या ज्वाइन कर देता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं और आपका ग्लू स्लाइमी हो जाता है। नाउ जब हम इस स्लाइम में मैग्नेटाइट पाउडर मिलाते हैं, तो इसी स्पेस में मैग्नेटाइट पार्टिकल्स भी ट्रैप्ड हो जाते हैं, जो स्लाइम को मैग्नेटिक बनाता है। सो गाइस, नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि स्लाइम लिक्विड होता है या सॉलिड। सो एज यू कैन सी, स्लाइम टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। Plus, slime can flow easily. And slime is having fixed volume.
सो गाइस बेसिकली स्लाइम एक लिक्विड ही है, रदर आई वुड से अ नॉन न्यूटोनियन लिक्विड, जो किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर। दिस इज एक्सपेरिमेंट रॉयक्स साइनिंग ऑफ।